हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बैक गले के डिजाइन बताने वाली हूँ। ये डिजाइन आपके किसी भी सूट ब्लाउज में फिट बैठ सकता है और दिवाली के लिए तो ये बेस्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बुकरम ले ली है, ठीक है। हम बुकरम की लेंथ लेंगे। ये बुकरम टू फोल्ड है, ये देखिए, ये बुकरम टू फोल्ड है। अब मैं इसकी लेंथ मैंने ले रखी है 12 इंच। आप भी लेंथ 12 इंच ले लीजिए। अब हम इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच आप खोल के लेंगे तो 12 इंच आएगी ये चौड़ाई भी इसकी। ये देखिए 12 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। इसको आपको टू फोल्ड कर लेना है और यहां से अपने गले का, इस ऊपर वाले हिस्से से अपने गले का नाप बनाना है। इसमें अगर आपको ब्रॉड गला लेना है, चौड़ा गला लेना है, तो आप 4 इंच का रखेंगे गला, गले की चौड़ाई। और अगर आपको गला छोटा लेना है, हाँ, जैसे नॉर्मल, जैसे हमारे चेस्ट 32, 34, 30 है, तो हम गला 3.25 ही रखेंगे। तो हम गले की लंबाई इस फोल्ड वाले हिस्से से रखेंगे 3.25 लगाएंगे गले की चौड़ाई पर, 3.25 निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहां से अपना गला लेंगे। मुझे टोटल अपना गला 8 पहनना है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 4 हम यहां से लेंथ, गले की लंबाई ले लेंगे, अपना वो ले लेंगे 4। 4 पे क्लिप निशान लगाएंगे और इस वाले हिस्से से हम गले की डिजाइन काटेंगे। देखिए, गले की डिजाइन काटने के लिए मैंने बुकरम का इतना हिस्सा ले रखा है, तो आप भी ले लें बुकरम का इतना हिस्सा। इसकी लेंथ कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। ये देखिए, लेंथ इसकी कम से कम 4 इंच है और इसकी चौड़ाई कम से कम 1 इंच करेगा, 1 इंच है। अब हम इस पे फूल की डिजाइन देंगे। ये देखिए फूल की डिजाइन, ये देखिए, मैंने एक फूल का नाप ड्रॉ कर लिया इसमें। अब हम इसे कट करेंगे। इसको कट शेप में करना है। ये देखिए, इसको फोल्ड करना है ऐसे। ये देखिए फोल्ड है, फोल्ड वाला हिस्सा, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इसमें ऐसे नाप पत्ती बनाइए और फिर पत्ती को कट कीजिए। देखिए ये पत्ती काफी चौड़ी लग गई मुझे, तो हम चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं। इसकी लंबाई छोटी नहीं करनी है, बस यहां से शेप छोटा करना है। तो हम यहां से इसको और घुमा लेंगे। ये देखिए, पत्ती पतली हो गई है। देखिए, हमने अब ये कटिंग कर ली है। अब हम इस कटिंग वाले हिस्से को अपने गले की लंबाई जो मैंने 4 इंच ली है उस पर रखेंगे, ऐसे फोल्ड करके रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने रख रखा है। अब मैं इस पर शेप दूंगी इससे। इसकी आउटलाइन कर लेना है, नीचे वाले हिस्से पे शेप दे देना है पूरा। ये देखिए, इसका शेप आ चुका है। अब इसके इस कोने वाले हिस्से पे इसको ऐसे खोलना है और इस कोने वाले हिस्से पे इसको ऐसे रखना है। वैसे आप सबसे पहले इस वाले हिस्से को ड्रॉ कर लीजिए। आपका ये 3.25 आपका गले का चौड़ाई है। ये देखिए, ये 3.25 जो चौड़ाई है और ये जो लंबाई है, इस पे आप शेप दे दीजिए यहां से गले का। ठीक है, गले का ये पूरा शेप है। अब ये इसको ऐसे रखेंगे हम इधर खोल के और इस पे निशान लगाएंगे इस कोने से।
ये पूरा शेप देना है ऐसे घुमाते हुए, ये 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 और ये, ये देखो ये आगे पत्ती का शेप, ये इसको थोड़ा चौड़ा जा रहा है तो इसको पतला कर लेना है, ये इधर ये ऐसे और ये ऐसे, और अब इसी को इधर रखेंगे और एक और शेप देंगे। देखिए शेप आ गया, इसको मैं इसको पत्ती पे रख के ये आ गया शेप। अब हम इस पे कट कर लेंगे इसे, ठीक है। कट करने के लिए हम पहले ये गला काटेंगे यहां से, गला का नाप एक बार फिर ले लेते हैं, 3.25 है कि नहीं, गला 3.25 पे ही है, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे यहां से, ये वाला हिस्सा ऐसे निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले इसी हिस्से को निकालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम यहां से सर्व कटिंग शुरू करेंगे इधर से, निकल गया एक। अब यहां से इस कोने से ये कटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे, इस आउटलाइन पे कटिंग कैची चलाते रहना है, ठीक है। और अब ये वाला इसको बराबर करके अब इसको काटेंगे। कपड़ा बराबर होना चाहिए, ये दोनों नोखे बराबर होने चाहिए, ये दोनों नोखे हैं ये बराबर होने चाहिए। अब हम इस शेप को, इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, हम कटिंग करेंगे इसको नोक बराबर में रख के। ये ऐसे करते हुए यहाँ पर एक नोखी निकाल देनी है। ये देखिए हमारा ये गला, गले का शेप आ गया है जो कि आपको दिख रहा है। ये देखिए आ गया गले का शेप, ये देखिए। अब हम इसमें एक एक इंच छोड़ के इसकी भी गोलाई काट लेंगे, ये देखिए। ज्यादा चौड़ा नहीं रखना है, यहां से आपको ये ताकि ये कपड़े में बैठ जाए। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं अगर आपकी बुकरम जुड़ने वाली है तो, नहीं तो आप इसे सिल लें। ये देखिए कपड़े पे रख के आप इसे सिल लेंगे और जस का तस कपड़े पे ड्रॉ। अभी हम गले का शेप देखेंगे कैसा आ रहा है बराबर करके। ये देखिए, ये देखिए जी, ये और ये पीछे की साइड से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा शेप ये है गले का और डिजाइन भी यही आएगी। दोस्तों हमें बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू, बाय।